बदायूं में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बजट पर चर्चा की और उसके फायदे गिनाए। परीक्षाओं को कैसे नकल विहीन किया जाए, मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि वही रामचरितमानस के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रामचरितमानस को रावण नहीं मानता था, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम बसते थे कि हम रामचरितमानस, कुरान और बाइबल सभी का सम्मान करते हैं। आज मेरी बधाइयों आने पर जो केंद्र का बजट है उस पर चर्चा है आप लोगों से, मैं वो करने आप चाहिए हूँ। अपने पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से मिलने के लिए आई हूँ, अपने जो प्रशासन के अधिकारी हैं, डीएम हैं, कप्तान हैं, उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तो आज मेरा ये कार्यक्रम है और चूँकि आज से ही विद्यालय में परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं, हाई स्कूल की, उनका निरीक्षण करते हुए चली आ गई।